हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो इंडिया, आपके साथ मैं हूँ अर्चना सिंह। फ्रांस में एक बहुत चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एक कार्यक्रम के दौरान एक शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति दक्षिणी फ्रांस के ड्रोम इलाके के दौरे पर थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे। राष्ट्रपति को देखने हाथ मिलाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। इसी भीड़ में शामिल एक शख्स ने राष्ट्रपति मैक्रों से हाथ मिलाया और थप्पड़ मार दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं इमैनुअल मैक्रों लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़ते दिख रहे हैं। बैरिकेड्स के दूसरी तरफ लोगों से हाथ मिला रहे हैं। दूसरी तरफ चश्मा और फेस मास्क पहना व्यक्ति मैक्रों से हाथ मिलाने लगता है। जैसे ही राष्ट्रपति मैक्रों आगे बढ़ते हैं, वो शख्स थप्पड़ मार देता है। राष्ट्रपति के गार्ड ने तुरंत ही उस शख्स को जमीन पर गिरा दिया। इस मामले में दो लोगों को फ्रांस पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।